गुड इवनिंग एवरीवन सभी को नमस्कार सभी को नमस्कार गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों आ, पिछली क्लास में हम लोगों ने वॉइसिस के सेक्शन को कंप्लीट किया और वॉइस के क्वेश्चन वोइसेस के क्वेश्चन किस तरीके से हम लोगों को परीक्षा में दिए जाते हैं थोड़ा सा इस पर काम करते हैं फिर प्रैक्टिस लेंगे आप लोगों के साथ मिलकर और उसके बाद फिर अगली क्लास में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे लेडीज एंड प्लीज हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन लिखकर दिया जाता है जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं आ, मैंने कहा करण हैज सोल्ड दैट हाउस अब आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट्स आई मीन जब आप पैसिव वॉइस में लिखने की कोशिश करेंगे आपके सामने लिखे हुए जो भी सेंटेंस को आप पैसिव में लिखने की कोशिश करेंगे तो पैसिव में लिखने का एक बड़ा प्यारा तरीका सामने समझ आता है कि हम लोगों को किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाना नहीं आता हम लोगों के सामने किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए नहीं दिया जाता हमारे सामने तो ऑप्शन दिए जाते हैं और उन ऑप्शन में से हम किसी एक ऑप्शन को चुनते हैं तो प्यारे दोस्तों लिखे हुए किसी भी क्वेश्चन का जब पैसे हमें चुनना है तो तरीका क्या है उसे थोड़ा सा समझने का काम करते हैं हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के बेसिकली एक नहीं दो नहीं कुल मिलाकर चार ऑप्शंस रखे जाते हैं इन चार ऑप्शंस को लेकर काम कैसे किया जाए आ जाए थोड़ा ध्यान से समझते हैं तो किसी भी सेंटेंस के जब पैसिव की हम बात करते हैं तो पैसिव वॉइसेस के लिए यानी कि वॉइसेस के लिए अगर हम ट्रिक्स लगाने की कोशिश करें तो ट्रिक्स बड़ी खूबसूरत तरीके से लगाई जा सकती हैं यानी कि क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका अगर हमें नहीं पता तो फिर बेकार हैं सारे एफर्ट्स हमारे तो क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करने के प्रोसेस पर काम करें क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है आओ भैया इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारे सामने लिखे हुए किसी भी क्वेश्चन के चार ओपिनियन हैं इन चारों के चारों ओपिनियन पर अगर हम काम करें तो क्या चीज सबसे पहले देखनी है इसी चीज के तरीके पर अगर हम काम करें तो एक मेथड हम लोग फॉलो करते हैं इसे हम कहते हैं बच्चों पैरेलल स्कैन मेथड इसे हम कहने की कोशिश करते हैं पैरेलल स्कैन मेथड हम पैरेलल स्कैन करते हैं किसी एक शब्द को और उसी शब्द के आधार पर हर एक ऑप्शन को वेरीफाई करते हुए वे चलते हैं जैसे लिखे हुए अगर हम किसी भी ऑप्शन के अंदर सबसे पहले क्या चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जर्व हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऑफ द क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग गिवन ऑप्शन के अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब को और इस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के आधार पर ही हम पहले सबसे इन लिखी हुई चॉइसेस को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं बड़े ध्यान से चीजों को समझें हमारे सामने सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को जब ऑब्जर्व करते हैं तो फिर इसी से कहानी शुरू होती है और इसे हम कहते हैं ऑब्जर्व द चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और इसी के साथ साथ कि हम लोगों ने सेंटेंस के अंदर किस तरीके की को यूज किया है किस तरीके की प्रेपजिशन को हमने यूज किया है तो प्रेपजिशन किस तरीके की यूज होनी है ये भी हम लोगों को ध्यान से देखना है ठीक है एक अगली बातचीत को अगर हम देखें तो चेंज हेल्पिंग वर्ब और वेपोजिशन के बाद हम लोग लिखे हुए सेंटेंस के अंदर देखने की कोशिश करते हैं यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम किस तरीके के ऑब्जेक्ट को कहाँ यूज करते हैं इस चीज़ का भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है अब ऑब्जेक्ट बेसिकली दो तरीके के हैं कल की क्लास हम लोगों ने समझी है तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट हमारे सामने आते हैं किस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लिखते हैं किस ऑब्जेक्ट से पैसे शुरू होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क के बाद कौन से ऑब्जेक्ट का हम लोग जिक्र करते हैं ये हुई दूसरी बात फिर एक अगली चीज़ आती है हमारे सामने कुछ ऐसी भी चीजें जो हम लोगों ने लॉजिकल तरीके से समझी हैं और लॉजिकल तरीके से क्या समझा कभी कभी सेंटेंसेस के अंदर एक नहीं एक से ज्यादा सेंटेंसेस लिखे हुए नजर आते हैं कभी कभी एक नहीं एक से ज्यादा सेंटेंसेस लिखे हुए हमें नजर आते हैं और इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर हमें देखना होता है कि हम कौन से सेंटेंस का पैसिव किस तरीके से बनाते हैं कुछ याद आया बच्चों जब हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस एक से ज्यादा मिलते हैं तो कहाँ पर हम किस तरीके से इस इट का यूज करते हैं एटसेट्रा ठीक है बच्चों कुल मिलाकर इसकी जो फाउंडेशन है हम लोगों को याद आती है कि हम ट्रांजिटिव और इन ट्रांजेटिव के आधार पर अपने लिखे हुए सेंटेंस के पैसिव को ऑब्जर्व करते हुए चले जाते हैं कि ट्रांजिटिव है तो पैसिव बन रहा है और इन है तो पैसिव नहीं बन रहा ठीक है।, है जी इसके बाद हम लोगों ने समझने का काम किया कुछ और बातों को ठीक है जी और इसे हम लोग अगर कहने की कोशिश करें तो मर्ज और स्प्लिट का एक लॉजिक हम लोगों ने तैयार किया ठीक है और आखिर में हमारे पैसिव की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं रूड सेंटेंस बच्चों कल की क्लास में हमने रूड सेंटेंस की बात की थी और रूड होने का मतलब क्या समझ आया रूड होने का मतलब समझ आया ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका मीनिंग तो जिनका मीनिंग तो पैसिव में है और लिखा जाता है इन्हें एक्टिव में जैसे कल की ही क्लास का एक सवाल मैं फिर से लिखने की कोशिश करूं आपके सामने रोज स्मेल्स स्वीट अब मैंने ये सेंटेंस आपके सामने लिखा इसे रूड सेंटेंस क्यों कहा गया था कल हम लोगों ने इस बारे में तफ्तीश की थी कि इस लिखे हुए सेंटेंस के इस डूअर को अगर हम देखते हैं तो ये एक नॉन लिविंग डूअर है रोज स्मेल्स स्वीट ये अपने आप में एक नॉन लिविंग डूअर है भाई या ना अब अगर इसकी बातों को आगे हम समझने का प्रयास करें तो रोज स्मेल स्वीट रोज चाहकर भी स्मेल नहीं कर सकता स्मेल करने की क्वालिटी इंसान के अंदर है हा ना रोज चाहकर भी स्मेल नहीं कर सकता तो सर सवाल का अर्थ क्या है लिखा हुआ तो एक्टिव में है लेकिन इसका अर्थ क्या है इसके अर्थ को अगर हम समझने का काम करें तो इसका अर्थ पैसे में है रोज रोज स्वीट तब होता है जब उसे कोई स्मेल करे यानी कि इस लिखे सेंटेंस का डूअर लास्ट में कहीं पर बैठा है ठीक है ना इसीलिए सेंटेंस का हम लोगों ने मीनिंग पैसिव में देखा इसीलिए हम लोगों ने इसको में लिखने का काम किया वरना इस तरह के सेंटेंस का पैसिव बन नहीं सकता खैर वो एक अलग बात है तो हम लोगों को यहाँ तक किसी भी हालत में आपका पैसिव बनाने की इजाजत होती है अगर नहीं बनता तो फिर हम लोग एक पुराना तरीका अपनाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्ट द चेंज रिवर्ट द चेंज का मतलब मान लीजिए मान लीजिए हमारे सामने प्रोवाइडेड ऑप्शंस 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 हैं हैं मान लीजिए हमारे सामने ये प्रोवाइडेड और और इन में पहला चौथा ऑप्शन हमारा हट गया इन दो में से किसी एक को ही हम लोग आंसर की तरीके से चुनना चाहेंगे तो भैया एक को तब चुना जाए कंफ्यूजन अगर हो रही है तो उठाकर इसे वापिस क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप रखो जिसके अंदर क्वेश्चन के फॉर्मेट में जाने की हिम्मत है उसी को आप लिखे हुए गिवन चॉइसिस के करेक्ट आंसर की तरीके से मार्क कर सकते हैं तो मैं अब आपके साथ मिलकर हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोसेस लगाऊंगा और मैं हर एक क्वेश्चन को जब सोल्व करने का प्रोसेस लगाऊंगा तो आप ध्यान से सुनेंगे टाइम भी आपको दिया जाएगा ठीक है और उसके बाद हम चीजों को स्पीड से मेंटेन करते हुए चले जाएंगे तो आपके सामने क्वेश्चंस धीरे धीरे हाजिर होने वाले हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी होश में रहेंगे फाइन और कमेंटबाजी से बचेंगे वरना आप लोग जानते ही हैं ठीक है दोस्तों सबसे पहला सवाल अब आपके सामने हाजिर हुआ मैं आपके सामने आपके साथ मिलकर एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने पर काम करना शुरू करूंगा आज वो साथियों बात करना शुरू करते हैं द फर्स्ट सन ड्राइड द गैरबेज फॉर वन टू थ्री डेज टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल आप इस लिखे हुए सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्क को ऑब्जर्व करें लिखा है आपके सामने सेंटेंस के अंदर ड्राइड क्या लिखा है बच्चों Sun dried. अब sun dried अगर यहां लिखा है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट है पास्ट इंडेफिनेट होने के नाते पैसे बनाने में हम लोगों को लिखना होगा वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म पहले ऑप्शन के अंदर वॉज तो लिखा है लेकिन ड्राइड का तो जिक्र हुआ नहीं भाई ड्राइड अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बच्चों पैसे बनाने के लिए ड्राइड की थर्ड फॉर्म तो ड्राइड ही रहेगी ठीक है बेटा तो इस लिखे हुए ए ऑप्शन के अंदर ब्रॉड का यूज बेवजह हुआ कहा से हुआ भाई बेवजह हुआ ऑप्शन ए बाहर ऑप्शन बी को अगर देखेंगे तो भैया इसके अंदर वॉज या वर का ही जिक्र नहीं है ऑप्शन बी बाहर ऑप्शन सी को अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी के अंदर सन ड्राइड तो ठीक है लेकिन ऑप्शन सी के अंदर ये केम डाउन कहां से आया भाई ये भी अपने आप में गलत है तो भैया तीनों ऑप्शन बाहर हुए तो डी ऑप्शन तो होगा ही करेक्ट आंसर ठीक है जी डी ऑप्शन के अंदर देखें तो लिखा है वॉज फर्स्ट सन ट्राई तो डी फॉर डेली आपका करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन टू को भी फिलहाल के लिए स्किप कर लीजिएगा एक लिस्ट बना लीजिएगा क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे बीच में जिनको हम लोग जिक्र में नहीं लेंगे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद यानी कि प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद हम इनका जिक्र करेंगे तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू को स्किप कर रहा हूं मैं क्वेश्चन थ्री पर आए वॉट वन मस्ट डू वन मस्ट डू प्रॉपरली बड़े ध्यान से देखें दोस्तों यहां लिखे हुए इस सेंटेंस में तो इस लिखे हुए सेंटेंस में एक जगह पर नहीं दो जगह पर हमारी वर्ब यूज हुई है लिखा है मस्ट डू एक जगह और दूसरी जगह भी लिखा है मस्ट डू तो भैया दोनों के दोनों दोनों के दोनों पैसे बनाने की कोशिश करनी होगी तो भैया एक तरफ आपको लिखा हुआ नहीं दोनों तरफ आपको लिखा हुआ चाहिए मस्ट बी डन तो देखना बेटा कौन से ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है मस्ट बी डन दोनों जगह सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है दोनों जगह पर मस्ट बी डन और वो हुआ आपका सी फॉर चाइना नहीं 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 सी फॉर चाइना नहीं अरे भाई इसके तो सभी ऑप्शंस में गड़बड़ है तो आपको इसमें करेक्ट आंसर जो बनाना है उसे थोड़ा देख लीजिएगा व्हाट मस्ट बी डन मस्ट बी डन ए फॉर एप्पल के अंदर बी के बाद डन लिखना बाकी रह गया है थोड़ा इसे देख लें अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं दोस्तों लुक एट द पोल रिजल्ट डू दे इंस्पायर हो बच्चों यहाँ एक नहीं दो सेंटेंसेस लिखे हैं एक इंपेरेटिव और एक क्लोज एंडेड आप अगर ध्यान से देखेंगे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले सेंटेंस को ध्यान से देखें लिखा है लुक एट द पोल रिजल्ट पैसे बनाने के लिए सभी के सभी ऑप्शंस में लिखा है लेट द पोल रिजल्ट एज इट इज चल रहा है पैरल स्कैन करते जाओ बेटा एक शब्द को पकड़ो सारे ऑप्शंस को छान मारो वही चीज लिखी मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं लेट द पोल रिजल्ट सब जगह लिखा है बी सब जगह लिखा है लुक्ड के साथ एट हमें चाहिए ऑप्शन ए के अंदर लुक्ड के साथ एट नहीं है इसलिए ऑप्शन ए डिस्कशन से बाहर हुआ ठीक है बेटा अब बचता आपके पास बी सी या फिर डी अब अगर इस बात को ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने लिखा डू दे इंस्पायर होप ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का क्लोज एंडेड क्वेश्चन है प्रेजेंट प्रेजेंट in, के मुताबिक सेंटेंस की शुरुआत में हमें चाहिए इज एम या आर आपका ऑप्शन बी बाहर हुआ क्योंकि ऑप्शन बी की शुरुआत में लिखा मिलता है हैज होप जबकि ये टेंस गलत हुआ बेटा ऑप्शन बी बाहर हुआ अब बचता है एक ऑप्शन सी एक ऑप्शन डी अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन सी के अंदर बींग का यूज गलत है डी फॉर डेली आपका करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन फाइव इस क्वेश्चन को आप फिलहाल के लिए स्किप करेंगे बात करेंगे अगली क्लास में आई I मीन mean, अगले आराम से फुर्सत में समझेंगे इन के लॉजिक को क्वेश्चन सिक्स पर आए लिखा है ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाई हिज टीचर ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन पैसिव वॉइस है ये लिखा हुआ सेंटेंस तो पैसिव को एक्टिव बनाने के लिए ध्यान से देखें वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बेसिकली ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है तो पास्ट इनडेफिनेट के लिए हम लोगों को सर सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ ऑफर चाहिए कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑप्शन ए के अंदर कॉन्ग्रेचुलेटेड बिल्कुल लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं ऑप्शन बी के अंदर कॉन्ग्रेचुलेटेड तो लिखा है लेकिन सेंटेंस की इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है सेंटेंस की इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है यही हाल आपके सी और डी ऑप्शन में है इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है ऑप्शन ए के अंदर आपके पैसिव बनाने की एक्टिव बनाने के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट दी गई है ठीक है तो बच्चों यहां पर आपका आंसर हुआ मार्क ए फॉर एप्पल क्वेश्चन सेवन पर आए पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अगर इसके पैसिव को ध्यान से देखेंगे तो स्पीक को ऑब्जर्व करें प्रेजेंट इंडेफिनेट है बच्चों तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव बनाने के लिए इज एम या आर की हमें जरूरत है थर्ड फॉर्म के साथ आपका ऑप्शन बी बाहर हुआ ऑप्शन सी बाहर हुआ ऑप्शन डी के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं लिखा बचता है आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन एट हु गेव यू परमिशन टू एंटर बच्चों बड़े ध्यान से देखो गेव पास्ट इंडेफिनेट होने के नाते वॉज या वर का यूज कराएगा गिवन के साथ अब ध्यान से देखते हैं वॉज या वर के साथ हमें गिवन लिखा हुआ चाहिए ऑप्शन ए के अंदर अगर हम बात करें ऑप्शन ए के अंदर अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है बाई हुम वर यू गिवन सर हो सकता है ये आंसर हो जाए ऑप्शन बी डिस्कशन से बाहर क्योंकि यू के मुताबिक वॉज नहीं वर का जिक्र आना चाहिए बी ऑप्शन बाहर ऑप्शन सी के अंदर अरेंजमेंट गलत है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए सब्जेक्ट नहीं ऑप्शन सी बाहर हुआ और ऑप्शन डी के अंदर वॉज या वर ही नहीं है तो डी भी बाहर तो बचा एक ही ऑप्शन है फॉर एप्पल आपके पास अल्टीमेट है करेक्ट आंसर हुआ अगले क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम आ स्कॉलरशिप बच्चों लिखे हुए सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप बच्चों लिखा है हैज ग्रांटेड पैसे बनाने के लिए हैज या हैव के साथ बीन लगाकर हमें ग्रांटेड चाहिए लिखा हुआ पहले ऑप्शन के अंदर हैज या हैव के साथ बीन नहीं लिखा ए ऑप्शन डिस्कशन से बाहर ऑप्शन बी हो सकता है ऑप्शन सी के अंदर हैज या हैव के साथ बीन नहीं लिखा डिस्कशन से बाहर डी ऑप्शन के अंदर वॉज ग्रांटेड क्या कर रहा है ये भी डिस्कशन से बाहर बचता है बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर आपकी तरफ से क्वेश्चन टेन पर दिमाग लगाते हैं दोस्तों <coughs> देखो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों, आप लोगों के पास आप लोगों के पास आप लोगों के पास आप लोगों की शीट है ठीक है और मैं अब आपको थोड़ा थोड़ा टाइम बाउंड टाइम देना चाहूंगा प्रैक्टिस के लिए पहले आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व करें फिर मैं आंसर्स फटाफट से डिस्कस करूंगा ठीक है ना जी ये इसीलिए ताकि आप लोगों को समय के आधार पर तैयारी कराना मैं सिखा सकूं क्योंकि वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो आपको समय बचाना सिखाएंगे वरना सारी बातें बेकार हैं क्वेश्चन टेन को मैं कराना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन क्वेश्चन टेन के बारे में बात करते हैं हमारे सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर पर काम करते हैं। Before festivals, the shops are thronged. बेटा यहीं पर हमारे सामने लिखा हुआ पैसिव नजर आया आर के साथ ये का पैसिव है भाई। ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव है भाई अब अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्टिव के लिए वर्ब की फर्स्ट होम के साथ एस एस या फिर सिर्फ एक फर्स्ट होम ऑफ वर्ब हमें चाहिए क्वेश्चन के पहले ऑप्शन के अंदर ध्यान से देखें पीपल थ्रोंग ये तो बात ठीक है लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर पीपल का तो जिक्र है ही नहीं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होने की वजह से ए फॉर एप्पल को हटाया ऑप्शन बी को देखते हैं मैन विमेन एंड चिल्ड्रन कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों लेकिन इस सेंटेंस के अंदर मुझे लगता है सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है और फर्स्ट होम ऑफ वर्क भी है प्रेजेंट इन के हिसाब से तो इसीलिए बी फॉर बॉम्बे भी बी फॉर बॉम्बे भी अपने आप में ठीक हो सकता है सी फॉर चाइना के अंदर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं ऑप्शन डी के अंदर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं इसलिए सब कुछ हटाकर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 11 से अब आप शुरू करेंगे अपनी कहानी को लेडीज एंड जेंटलमैन क्वेश्चन 11 से कहानी शुरू करेंगे और क्वेश्चन 20 तक आपके पास समय सीमा केवल तीन मिनट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ अपनी शीट पर ध्यान दीजिएगा आंसर्स बनाएं क्वेश्चन आपका समय शुरू हो चुका है साथियों प्लीज टेक योर टाइम

एक्टिव को पैसिव बनाए और पैसिव को एक्टिव बनाए बात खत्म हुई भाई सेंटेंस के लिखे हुए अच्छा देखो हमारी इच्छा नहीं चलती है चार चॉइसेस में से ही किसी एक को टिक टिकटॉक करना है आगे सोचना नहीं बाकी दिमाग लगाना नहीं अगर कोई इंसान इसमें और अपनी तरफ से दिमाग लगाने की कोशिश कि सर हम ऐसा कर देते वैसा कर देते तो भैया ये सिर्फ मूर्खता है इसमें समझदारी नहीं है एक पैसे की भी तो खैर हम अपने काम पर दिमाग लगाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज हमारे सामने लिखा है तो इसके लिए हमें लिखना होगा वॉज या वर के साथ नॉट रिकोगनाइज रियलाइज पर ऐसा तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है अगर ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई हमारे पास द स्मग्लर्स डिड नॉट रियलाइज एज एट इज ही लिखा हुआ मिल जाए तो भी काफी है आपका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे के अंदर हेरा फेरी हुई ठीक है जी स्मग्लर्स की बात थी सम्वन अप का डूवर नहीं था बी फॉर बॉम्बे पकड़ के बाहर करो पहले चुपचाप ठीक है जी अब हम देखते हैं तो पहले ऑप्शन के अंदर पहले ऑप्शन के अंदर दैट समवन वाज रिकॉर्डिंग देयर कॉन्वर्सेशन हो सकता है और आपके डी ऑप्शन के अंदर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है सी ऑप्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो कॉन्वर्सेशन वाज रिकॉर्डेड बिल्कुल गलत है भाई साहब पैसिव का पैसिव थोड़ी बनेगा आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ ए फॉर एप्पल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन सामने आया The the principal kept staff members waiting. लिखा हुआ सेंटेंस पास्ट स्टाफ में हुआ पास्ट इंड का पैसिव वॉज या वर के साथ आपको कैप्ट में लिखना हुआ बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन थर्टीन हु टॉट यू ग्रामर पैसे बनाने में अगर कोशिश करें तो टॉट का पैसे हुआ वॉज या वर के साथ टॉट वॉज या वर के साथ टॉट अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं थैंक यू वर्क के साथ टॉट हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है सभी ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं बच्चों तो सबसे पहले तो पहले ऑप्शन को देखो इसके अंदर अरेन्जमेंट गलत हुई पहले ऑप्शन के अंदर अरेंजमेंट गलत हुई और अरेंजमेंट होनी चाहिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ग की तो पहला ऑप्शन डिस्कशन से बाहर दूसरा ऑप्शन हो सकता है तीसरा ऑप्शन गलत हुआ क्योंकि आपके इस तीसरे ऑप्शन के अंदर अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट्स की गलत है फॉर चाइना गलत हुआ और आपके चौथे ऑप्शन के अंदर ग्रामर के साथ वर्क से यूज करने लग गया भाई ग्रामर तो सिंगुलर है यार D for Delhi, भी बाहर तो आपका करेक्ट आंसर बनता है है बॉम्बे क्वेश्चन ये डाय ट्रांजिटिव है ये पहले तो गेव के मुताबिक हमें पैसे बनाना आया तो वॉज या वर्क के साथ गिवन बिल्कुल ठीक चल रहे हो भाई साहब सभी ऑप्शन के अंदर वॉज गिवन लिखा हुआ है ठीक है जी अब हमारा पैसिव दोनों तरीके से बन सकता है सबसे पहले डी ऑप्शन को ध्यान से देखें आ रिवॉर्ड से अगर पैसे तो हिम से पहले टू लिखा होना चाहिए जबकि टू की अरेंजमेंट गलत जगह पर लिखी है डी फोर डेली पहले बाहर हुआ बचता है ए बी सी अब आते हैं एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करने पर ऑप्शन ए के अंदर आपके लिखे हुए ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट गलत जगह पर है आर रिवॉर्ड किंग के बाद नहीं होना चाहिए था ऑप्शन बी के अंदर अगर हम कहें तो ये ऑप्शन ध्यान से देखें क्वेश्चन में लिखा है आर रिवॉर्ड ऑप्शन बी के अंदर लिख गया द रिवॉर्ड नहीं सरकार गलत हुआ सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका आंसर आर रिवॉर्ड और द किंग बिल्कुल सही लिखा है सी फॉर चाइना आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन फिफ्टीन ही टीचेस अस ग्रामर कोई दिक्कत नहीं बच्चों टीच प्रेजेंट इंडेफिनेट हुआ पैसिव बनाने के लिए इज एम आर के साथ हमें टॉट लिखा चाहिए सिर्फ एक ही ऑप्शन सपोर्ट करता है इस बात को बी फॉर बॉम्बे बाकी सभी ऑप्शंस डिस्कशन से बाहर क्वेश्चन 16 डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम बात करें तो भैया डू यू अंडरस्टैंड को पहले देखो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ना बच्चों तो डू यू अंडरस्टैंड का पैसिव इज एम या आर के साथ अंडरस्टूड होना चाहिए सेंटेंस की शुरुआत में ही मुझे इज लिखा हुआ चाहिए क्लोज एंडेड का पैसे बनाने के लिए और वो लिखा है सी फॉर चाइना में सिर्फ सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ सेवनटीन होम डज ही लुक फोर कोई दिक्कत नहीं बच्चों पहले टेंस पहचानो टेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनेट तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसे बनाने की अगर हम कोशिश करते हैं तो इज एम या आर के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए ए और डी होगा नहीं क्योंकि हू का पैसिव जो भी हम लिख रहे हैं ही से तो शुरुआत होगी नहीं तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं आप ध्यान से देखेंगे के के साथ साथ हमें चाहिए और does के साथ look for का पैसिव is looked for, C for China ने करेक्ट बनाया क्वेश्चन एटीन दे से दैट यू डिड दैट हमें कोई दिक्कत नहीं पैसे बनाने की कोशिश अगर हम करते हैं तो पैसे बनाने के लिए दे से का पैसे अगर हम बनाते हैं तो इज एम आर सेड कौन से ऑप्शन में लिखा है इज एम आर कौन से ऑप्शन में लिखा है बेटा कोई ऑप्शन नहीं नजर आया डी के अलावा हम्म एक बार आगे देखते हैं लिखा है यू डिड दैट तो बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस के सी ऑप्शन को ठीक होना चाहिए इस लिखे हुए ऑप्शन में छोटी सी टाइप करने वाले की गलती है सी ऑप्शन को मार्क कर लीजिएगा यू डिड दैट इज सेड बाय देम क्वेश्चन 19 आई एम डूइंग सम्स पैसे बनाने के लिए आई एम डूइंग को पैसे बनाते हैं तो इज एम आर बींग के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए जो कि बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों बी फॉर बॉम्बे क्वेश्चन ट्वेंटी पर आए द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक कैफ्ट मी अवेक क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कैप्ट का पैसे बनाना है तो वॉज या वर के साथ हमें कैप्ट चाहिए सिर्फ और सिर्फ ए फॉर एप्पल में लिखा है बाकी सभी के टेंस पैसिव के अकॉर्डिंग गलत हैं क्वेश्चन ट्वेंटी वन से फोर्टी तक लेडीज एंड जेंटलमैन क्वेश्चन ट्वेंटी वन से फोर्टी तक आप अब करेंगे मेहनत और आपका समय शुरू होता है अब समय सीमा तीन मिनट तेरे नाम योर टाइम स्टार्ट्स नाउ तो माफ कीजिए आपका समय सीमा खत्म हुआ चलिए कहानी को शुरू करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन समझने पर आते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी ओनली वन गॉड पैसे बनाने के लिए हम लोगों को बी फॉर बॉम्बे को चुनना हुआ क्योंकि यहां पर वी ऑल नो का ऑब्जेक्ट दैट देर इज ओनली वन गॉड पूरा का पूरा सेंटेंस है तो बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन 22 द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर पहले इलेक्टेड के मुताबिक हमें पैसिव के लिए वर्ब चाहिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए वाज या वर के साथ इलेक्टेड जो सिर्फ आपका बी4 बॉम्बे करेक्ट आंसर मार्क करता है बी4 बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन 23 पर डोंट लाफ एट मी लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो पैसे बनाने की बात हुई लेट मी लेट मी कोई दिक्कत ही नहीं तो बेसिकली एट का भी तो जिक्र होगा ना प्यारे दोस्तों बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर हुआ क्योंकि पैसे बनाने में एट को तो छोड़ ही नहीं सकते आपका डी बाहर हुआ सी ऑप्शन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गलत है ए ऑप्शन के अंदर नॉट का जिक्र नहीं है तो इसी कायदे से बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पर अगर हम बात करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कहता है चलिए भैया क्वेश्चन की बात करते हैं आई सो हिम लिविंग द हाउस सो की अगर हम बात करते हैं तो सो लिखे हुए सेंटेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनेट की बात कर रहा है तो पैसे बनाने के लिए हमें वॉज या वर के साथ हमें सीन लिखना चाहिए अब देखो बेटा दो ही ऑप्शन हैं हमारे सामने ध्यान से देखें पहले ऑप्शन के अंदर आपकी अरेंजमेंट गलत है लिविंग हाउस शुरुआत में क्या कह रहा है भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ठीक है सारी की सारी स्थिति ऑप्शन सी के अंदर टेंस गलत हुआ ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो लिखा है ही वॉज सीन सर वो तो ठीक है लेकिन टू बी लिविंग कहने का कोई सेंस नहीं बनता आपका करेक्ट आंसर बनता है बी फॉर बॉम्बे नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं लिखा है समवन पुल्ड पैसे बनाने की अगर हम बात करें पैसे हम बात करते हैं तो पुल्ड का पैसे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है वॉज पुल्ड डी फॉर डेली करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स पर आ जाए दिस शर्ट कैन नॉट बी वोन बाई मी एनी लॉन्गर बच्चों लिखा हुआ सेंटेंस आपका पैसे में है एक्टिव बनाने के लिए आपको लिखना होगा कैन नॉट वियर अब देखो बेटा कौन से ऑप्शन के अंदर कैन नॉट वियर लिखा है डी ऑप्शन डिस्कशन से बाहर हुआ सी फॉर चाइना बाहर हुआ बी फॉर बॉम्बे के अंदर कैन नॉट नहीं है सिर्फ ए फॉर एप्पल के अंदर कैन नॉट वियर लिखा हुआ है ये आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ भाई क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन पर आएन डज नॉट ईट ग्रास हाव एवर हंग्री ही मे बी सिर्फ डज नॉट ईट का पैसे होना चाहिए और होना चाहिए इज नॉट ईटन इज नॉट ईटन को अगर हम देखते हैं तो बच्चों ए फॉर एप्पल के अंदर लिखा हुआ है इज नॉट ईटन बी सी और डी के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ठीक नहीं है क्वेश्चन ट्वेंटी एट पिकिंग अप अ गन सो का अगर हम पैसे बनाते हैं सो so, का अगर हम पैसे बनाते हैं तो बच्चों वॉज या वर के साथ हमें सीन लिखा हुआ चाहिए देखो कितनी गजब की बात है सभी के सभी ऑप्शन के अंदर सभी के सभी ऑप्शन के अंदर वॉज सीन लिखा है कोई दिक्कत नहीं अब इसी के तुरंत बाद हमें लिखा हुआ चाहिए पिकिंग अप अगन देखना बेटा पिकिंग अप अगन ए ऑप्शन में तो सही लिखा है ऑप्शन बी के अंदर गड़बड़ हुई नहीं 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 ऑप्शन ए के अंदर ठीक नहीं लिखा है पिक अप लिखा है ये पिक अप नहीं पिकिंग अप होना चाहिए तो ए ऑप्शन डिस्कशन से बाहर हुआ आपकी तरफ से बी ऑप्शन के अंदर पिकिंग अप लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के अंदर अरेंजमेंट पूरी तरीके से गलत है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ही वॉज ऑब्लाइज टू रिजाइन अगर पैसिव देखने की कोशिश करें तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई was obliged है भाई साहब वॉज ओबलाइज एक पैसिव है वॉज ओब्लाइज्ड एक पैसिव है एक्टिव बनाने के लिए सिर्फ ओबलाइज की हमें जरूरत है ए ऑप्शन के अंदर मेड बेवजह यूज हुआ डिस्कशन से बाहर हुआ ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो ये वॉज किस वजह से आया भाई हमें एक्टिव बनाना है बाहर हुआ सी फॉर चाइना आपकी तरफ से करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन के सेंस बिल्कुल गलत है जो कि पैसिव नहीं बन सकता आई मीन एक्टिव नहीं बन सकता सी फॉर चाइना आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बनता है दोस्तों सी फॉर चाइना क्वेश्चन थर्टी पर फॉर आओ क्वेश्चन नंबर थर्टीएथ पर हम दिमाग लगा रहे हैं क्वेश्चन थर्टीएथ कहता है व्हाई डिड यू नॉट अग्री टू माय प्रोपोजल व्हाई डिड यू नॉट अग्री टू माय प्रोपोजल डिड के साथ लिखा है अग्री तो भैया पैसे बनाने के लिए डिड के वजह से होना चाहिए वाज़ या वर वाज़ या वर के साथ हमें लिखा हुआ चाहिए सॉरी वाई डिड यू नॉट अग्री टू माई प्रोपोजल पैसे बनाने के लिए वॉज या वर के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए पहला ऑप्शन अगर कहा जाए तो वाई वॉज नॉट वाई वॉज माई प्रोपोजल नॉट अग्रीड बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है भाई कोई दिक्कत ही नहीं है तो पहला ऑप्शन हो सकता है कोई दिक्कत नहीं दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दूसरे ऑप्शन के अंदर बाई यू का आपने जिक्र किया है लेकिन दोस्तों अग्री के बाद टू का भी तो जिक्र होना चाहिए हु? तो ये तो लिखा ही नहीं है बी ऑप्शन हमने डिस्कशन से हटाया ऑप्शन सी की अगर हम बात करें वाई माई प्रोपोजल सर यही अरेंजमेंट गलत हुई आपका ये ऑप्शन भी बाहर हुआ डी ऑप्शन को देखते हैं वाई वॉज माई प्रोपोजल नॉट अग्रीड टू बाई यू डी फॉर डेली के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है सो so इसीलिए इसका आंसर डी फॉर डेली आपने तैयार किया नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसके बारे में हम बात करेंगे आखिर में इसे निशान लगा लीजिएगा क्वेश्चन थर्टी टू द मेंबर्स शुड अडेयर टू ऑल द डिसीजन पैसिव अगर बनाने की कोशिश करें शुड के साथ अडेयर का अगर हम पैसे बनाते हैं तो शुड बी अडेयर हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए ऑप्शन ए बाहर ऑप्शन बी बाहर ऑप्शन डी बाहर ऑप्शन सी को ध्यान से देखेंगे तो शुड बी अडेयर टू भाई पूरा आंसर आपके सी फोर चाइना में मिल रहा है हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं His subordinates accused him of various accused, आपके सामने वर्ब है पासिंग डेफिनेट की पैसे बनाने के लिए आपको लिखा हुआ चाहिए वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ तो वर्ब वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ डी फॉर डेली के अंदर आपको मिलागा बाकी सभी ऑप्शन के अंदर भाई ऑप्शन जो बी लिखा है इसमें इट बेवजह थोड़ी यूज कर सकते हैं यार हम डी फॉर डेली आपका करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन थर्टी फोर समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ये और हैज इसकी शुरुआत में है तो भैया पैसे बनाने के लिए हैज या है ही हमें शुरुआत में चाहिए सबसे पहले आपका डी फॉर डेली बाहर हुआ <coughs> सबसे पहले आपका डी फॉर डेली बाहर हुआ ए बी या सी को हम देखें तो ऑल द अरेंजमेंट्स जो है ये प्लूरल है यानी कि आपका ए ऑप्शन भी बाहर हुआ ए ऑप्शन भी बाहर हुआ क्योंकि तो हैज का जिक्र अरेंजमेंट्स के साथ थोड़ी यूज होना चाहिए भाई ए ऑप्शन भी बाहर हुआ अब बचता है आपका बी या फिर सी ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें तो ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स होना चाहिए शुरुआत में ही सब्जेक्ट के नाम पर बी ऑप्शन के अंदर सिर्फ नेसेसरी अरेंजमेंट लिखा है तो सी फॉर चाइना आपका करेक्ट आंसर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन वी है वी विल नो वी विल नो द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट आफ्टर सिक्स मंथस विल के साथ लिखा है नो तो बच्चों पैसे बनाने में पैसे बनाने में हम इसके विल या शैल के साथ बी और नोन का यूज करेंगे तो पहले ऑप्शन का आंसर बन सकता है ऑप्शन बी की अगर हम बात करें बन सकता है ऑप्शन सी की अगर हम बात करें सर बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि एक्टिव का आंसर एक्टिव नहीं पैसे बनाना भाई सी बाहर ऑप्शन डी के अंदर बिल्कुल नॉनसेंस तैयार हो रहा है भाई साहब बिल्कुल बाहर बचता है ए या फिर बी में से कोई एक आंसर तो प्यारे दोस्तों आप द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ थर्टी सिक्स डोंट स्पीक अंटिल स्पीक्स टू यू कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहां पर एक नहीं बेसिकली दो जगह पर वर्ब यूज हुई है पहले हिस्से को अगर देखेंगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ डोंट स्पीक आप इसे तो छेड़ ही नहीं रहे सभी ऑप्शंस में एज इट इज है समवन स्पीक्स टू यू ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है इसका अगर हम पैसे बनाने की कोशिश करें तो इज एम या आर के साथ थर्ड फॉर्म हमें लिखना होगा तो आपका डी डिस्कशन से बाहर सी फॉर चाइना बाहर बी फॉर बॉम्बे हो सकता है ए फॉर एप्पल हो सकता है अब ध्यान से देखो बेटा बी फॉर बॉम्बे के अंदर समवन आपके क्वेश्चन का भी डूअर है समवन आपके बी ऑप्शन का भी डूअर है ऐसा कैसे हुआ भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो ए फॉर एप्पल आपका करेक्ट आंसर हुआ थर्टी सेवन डिड द नॉइज फ्राइट एन यू पैसिव की शुरुआत वॉज या वर के साथ होनी चाहिए और पैसिव की शुरुआत में यू के मुताबिक वर होना चाहिए ए और बी दोनों बाहर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से डी फॉर डेली बी बाहर सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन थर्टी एट वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज आर रीचिंग बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है बनाने के लिए हमें इस के साथ बींग लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ चाहिए चलो सब कुछ छोड़कर ऑप्शन के अंदर बींग लिखा है जी मिल गया आंसर सिर्फ एक ही है फॉर बॉम्बे क्वेश्चन थर्टी नाइन आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट पैसे बनाने की कोशिश करें तो आई एक्सपेक्ट का पैसे इज एम आर एक्सपेक्टेड हमें चाहिए यू सब्जेक्ट बनेगा ए और बी दोनों बाहर हुए तो यू आर एक्सपेक्टेड ऑप्शन सी और डी में पैरल चल रहा है सिर्फ और सिर्फ सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों फोर्टियथ डिड मच डैमेज पैसे बनाने की कोशिश करें तो डिड का पैसे वॉज या वर होना चाहिए तो आपकी तरफ से सारे ऑप्शन गलत हैं। ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ क्योंकि ऑप्शन डी के अंदर भी सब्जेक्ट के नाम पर स्टोम लिखा है और क्वेश्चन में भी स्टोम लिखा है भैया ऐसे पैसे नहीं बनाया जाता ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन 41 से 60 तक गाड़ी खींचेंगे आप लोग 41 से 60 तक आपका समय सीमा तीन मिनट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सो लेडीज एंड जेंटलमैन योर टाइम्स अप लेट अस मूव अहेड क्वेश्चन 41 आपके सामने हाजिर हुआ पे टेंशन द बॉय हैज रंग द बेल लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के मुताबिक लिखा गया है ठीक है अब इस लिखे हुए सेंटेंस में हैज या हैव के साथ हमें बीन लगाना होगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर ही ऐसा है बाकी सभी ऑप्शंस अपने गलत हुए ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन फोर्टी टू ये इसको निशान लगा लीजिएगा प्यारे साथियों इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे निशान लगा लीजिएगा क्वेश्चन फोर्टी थ्री वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड दैट इट वॉज करेक्ट पैसे बनाने की कोशिश की गई है तो एडेड अप का पैसे होना चाहिए वॉज या वर के साथ एडेड ठीक है बेटा तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ये होना चाहिए आपका पहला ऑप्शन हो सकता है दूसरा ऑप्शन हो सकता है तीसरा ऑप्शन बेटा ये तो गलत हुआ एडिड का पैसे वॉज या वर अप होना चाहिए तो सी और डी तो डिस्कशन से बाहर हुए अब ऑप्शन ए को ध्यान से देखो ऑप्शन ए के अंदर टू तो बी करेक्ट कैसे हुआ भाई है जी? तो आपकी तरफ से बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर बने तो सर खूबसूरती होगी बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन वी है द टेलीग्राफ पैसिव है ये एक्टिव बनाने के लिए डूअर एज्यूम करना होगा ठीक है तो आपकी तरफ से बी और सी दोनों के दोनों ऑप्शन डिस्कशन से बाहर हुए अब लिखा हुआ है यहां पर हैव बीन कट तो एक्टिव बनाने के लिए हैज या हैव के साथ कट यूज करें ऑप्शन ए के अंदर बीन गलत लिखा हुआ है इसलिए कायदे से सी फुट चाइना करेक्ट आंसर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन विल द ट्रुथ बच्चों पैसे बनाने के लिए लिखे हुए ऑप्शन की अगर हम बात करें विल शी टेल अस द तो बनाने की अगर बात करें तो सेंटेंस की शुरुआत में, में विल या शेल की जरूरत होगी तो विल या शेल को अगर हम शुरुआत में रखते हैं तो ए और बी दोनों डिस्कशन से बाहर सी या डी में से कोई एक आंसर हमें चाहिए और बच्चों ये आप जानते ही हैं कि जब हम पहले ऑब्जेक्ट को डाय ट्रांजिटिव केस में पहले ऑब्जेक्ट को अगर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद देखते हैं तो टू हमें लगाना होता है ठीक है जी तो इसका मतलब आपकी तरफ से सी फूड चाइना करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स पर काम कर रहे हैं हम मिस्टर सेन आस्ट हिम अ क्वेश्चन कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों तो आपका सबसे पहले तो डी फोर डेली बाहर हुआ क्योंकि आस्ट का पैसे वॉज या वर के साथ आस्ट होना चाहिए बींग लगाने का मामला गलत हुआ डी फॉर डेली बाहर हुआ ऑप्शन सी को अगर हम कहने की कोशिश करेंट अ क्वेश्चन बाय मिस्टर सेन हो सकता है ऑप्शन बी को देखें ही अ क्वेश्चन टू टू मिस्टर भाई लगाना तो बिल्कुल गलत हुआ ठीक है ना जी तो आपका ए ऑप्शन के अंदर नहीं है सी फॉर चाइना बचता है हमारे पास आंसर, China, करेक्ट आंसर सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर मांग किया हमने क्वेश्चन फोर्टी सेवन पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड स्पीक का पैसे बनाते हैं हम तो इज एम आर के साथ स्पोकन हमें चाहिए ठीक है तो आपकी तरफ से करेक्ट आंसर होना चाहिए ए फॉर एप्पल क्योंकि डी फॉर डेली के अंदर तो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ 48 बड़ा प्यारा सवाल है द टीचर पनिश द बॉयज नॉट डन देयर होमवर्क अब इसे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना बच्चों द बॉयज के साथ लिखा है जो who had not done their homework. ये जो हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क ये बॉयज के बारे में ही तो बता रहा है तो जब आप इसे सब्जेक्ट की जगह रखोगे तो भैया बॉयज के साथ ही लिखा रहना चाहिए हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क अब आओ बेटा पैसे बनाने पर पनिश्ड का पैसे होना चाहिए, वर के साथ वर के साथ अगर हमें चाहिए तो सी फॉर चाइना के अंदर ही लिखा है हाँ बाकी सभी ऑप्शंस के अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब गलत है सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ 48 के लिए प्रिंसिपल ग्रांटेड हिम आर स्कॉलरशिप पैसे बनाने की कोशिश करेंगे हम तो हैज ग्रांटेड का अगर हम पैसे बनाते हैं तो हैज हैव के साथ बीन लगाकर ग्रांटेड हमें चाहिए तो सेंटेंस हमारी तरफ से लिखा हुआ है बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ बाकी किसी के अंदर हैज हैव के साथ बीन लगाया ही नहीं है भाई बी फॉर बॉम्बे मैं बोलता है बी फॉर बॉम्बे बिडू Somebody somebody told, told 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 me that there had been an explosion in the town hall। cho, told तो was told I was I है. ठीक है उसके बाद हमें लिखा हुआ चाहिए by someone, by someone की अगर हम बात करें तो भैया आपका ऑप्शन सी तो पहले ही हट चुका है ऑप्शन बी के अंदर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी पैरेलल चल रहे हैं लेकिन ऑप्शन ए के अंदर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है इसी वजह से डी डेली आपका करेक्ट आंसर बनता है क्वेश्चन देखें बच्चों ओब्लाइज तो पैसे बनाने के लिए विल बी या शेल बी के साथ ओबलाइज हमें चाहिए ऑप्शन ए के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज गलत हुआ डिस्कशन से बाहर ऑप्शन बी हो सकता है ऑप्शन सी के अंदर हेल्पिंग वर्ब गलत यूज हुई ऑप्शन डी के अंदर हेल्पिंग वर्ब गलत हुई ए फॉर एप्पल आपका करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन 52 वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स वेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसे बनाने के लिए इज एम या आर के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए करेक्ट आंसर हुआ डी फॉर डेली क्यों क्योंकि सी फॉर चाइना के अंदर अरेंजमेंट गलत है डी फॉर डेली करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन 53 पर काम करते हैं मोहन गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट गेव पास बच्चों पैसे बनाने के लिए वॉज या वर्ग के साथ हमें गिवन लिखना चाहिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों डिस्कशन से बाहर ऑप्शन ए या बी में से किसी एक को हम आंसर की तरह मार्क करें तो भैया आपका जो करेक्ट आंसर बनता है टू द बेगर वाला आंसर करेक्ट बनता है बच्चों बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ क्योंकि मोहन तो एजेंट बनेगा यार ए ऑप्शन के अंदर कितनी खूबसूरत गुस्ताखी की है करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे हुआ 54 दे हैव मेड दे हैव मेड हिम अ किंग पैसे बनाने के लिए हैव मेड पैसे बनाने के लिए हैव मेड का हम लोगों ने बनाया हैव या हैज बीन हैव या हैज के साथ बीन आगे हम लोगों ने लिखा मेड ऑप्शन को अगर ध्यान से हम देखें ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा लिखा हुआ ऑप्शन ए फॉर ऑप्शन ए ए ऑप्शन करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं कन्वे करता ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब गलत है ऑप्शन सी की बात करें तो सर आपके डूअर गलत जगह पर लिखे हैं तो करेक्ट आंसर हुआ डी फॉर क्वेश्चन क्या सर चलो कोई बात नहीं इसको मार्क कर लीजिएगा बच्चों बाद में देख लेंगे फिफ्टी फाइव और फिफ्टी सिक्स को आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पैसे बनाने के लिए आपका एक्सपेक्टेड का पैसे होना चाहिए इट वॉज एक्सपेक्टेड इट वॉज एक्सपेक्टेड ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ 58. एट टोबैको मैन्युफैक्चर आर मेकिंग कंसीडरेबल एफर्ट्स टू गेन न्यू क्लाइंट्स आर मेकिंग पैसे बनाने के लिए इज एम आर के साथ बीइंग लगाकर हमें थर्ड फॉर्म लिखना होगा इज एम आर के साथ बींग लगाकर अगर थर्ड फॉर्म हम रख रहे हैं तो बेटा सिर्फ एक ही ऑप्शन अप्रूव करता है इस बात को ए फॉर एप्पल ऑप्शन को ध्यान से देखना सीखोगे तो ही तो मजा आएगा क्वेश्चन ही हैज एनीबडी डन ऑल द वर्क बच्चों पैसे की शुरुआत में हैज हैव के साथ ही बात होगी ना और वर्क सिंगुलर होता है हमेशा इसलिए डी फॉर डेली करेक्ट आंसर हुआ 60th सिगरेट स्मोकिंग्रियल in का पैसे बनाने के लिए के साथ हमें चाहिए और ये सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर ही लिखा है तो करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे हुआ बाकी सभी की हेल्पिंग वर्ब गलत है क्वेश्चन सिक्सटी वन से कहानी शुरू करेंगे सवाल 80 तक आप लोग करेंगे आपका समय शुरू हुआ तीन मिनट आप प्लीज टेक योर टाइम

ऑप्शन सी के अंदर अरेंजमेंट गलत लिखी हुई है ठीक है मामले में गड़बड़ हुई दोस्तों पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहले ऑप्शन के अंदर अरेंजमेंट गलत है सी ऑप्शन के अंदर तो आपकी अरेंजमेंट चल जाएगी सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन लेट मी डू दिस पेस्ट बनाने के लिए हम अगर कोशिश करें तो सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर मांग किया आपने लेट दिस बी डन बाई मी 64. The tiger caught a fox. पैसे बनाने के लिए कॉट का पैसे बनाते हैं तो वॉस या वर के साथ हमें कॉट चाहिए बी फॉर में करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों 65. Someone has lit the fire. किसी ने आग जलाई आग लगाई. सावन का महीना पैसे बनाने की कोशिश करते हैं तो हैज या है के साथ बीन कर, लिट हमें चाहिए सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ बाकी सभी ऑप्शन के अंदर हेल्पिंग वर्ब गलत तरीके से यूज हुई

आप अगर इस पैसे बनाना चाहें तो पिक का पैसे होना चाहिए इज़ एम या आर के साथ लिखा हुआ थर्ड फॉर्म पिक्ड ऑप्शन डी फॉर डेली सबसे पहले बाहर हुआ पिक्ड की अरेंजमेंट गलत है ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं हो सकता है ये आंसर हो जाए ऑप्शन बी के अंदर अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है भाई अरेंजमेंट पूरी तरह डैमेज है ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो फ्रेश की अरेंजमेंट गलत है सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ लेट्स टॉक द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी लुक टू हिम क्वेश्चन अप टू हिम बनाने की कोशिश करें तो वॉज या वर्ग के साथ हमें लुग्ड चाहिए ए या बी के अंदर ही होना चाहिए आप ध्यान से देखो बेटा लुक अप के साथ टू भी तो लिखा हुआ चाहिए बेटा ए फॉर आपका करेक्ट आंसर हुआ ठीक है ना जी लुक अप टू का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट इज्जत करना सिक्सटी नाइन टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस बच्चों ऑर्डर है ये बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर बनता है लेट हिम बी लेट हिम बी टोल्ड कोई दिक्कत ही नहीं है वी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ सेवेंटीथ दोज हु वर्कड हार्ड सेल्डम ओबटेन्ड गुड मार्क्स कोई दिक्कत नहीं बच्चों अब अगर हम देखें पैसे बनाने के लिए तो ओबटेन्ड का पैसे हमें बनाना है वॉज या वर्क के साथ ओबटेन्ड हमें लिखा चाहिए ऑप्शन ए के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज गलत है डिस्कशन से बाहर ऑप्शन बी के अंदर अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब का यूज गलत है ऑप्शन सी के अंदर भी गलत है ऑप्शन हेल्पिंग वर्ब की वजह से डी फॉर डेली एक अकेला आंसर बताता है जिसमें वर के साथ ओपटेंट लिखा है क्वेश्चन सेवेंटी वन द अकाउंटेंट टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर पैसे बनाने के लिए वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म देखो कौन से ऑप्शन में है ए और डी बाहर हुए बी या सी में से कोई एक बनना चाहिए तो भैया सी के अंदर तो आपकी अरेंजमेंट ही पूरी तरह से गलत है अरे हाया ना कस्टमर थोड़ी लिया गया है भाई पैसा लिया गया है बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन सेवेंटी टू प्यून रिफ्यूज हिम एडमिटेंस बच्चों पैसे बनाने के लिए रिफ्यूज का पैसे बनाने के लिए वॉज या वर के साथ हमें रिफ्यूज लिखा हुआ चाहिए आपका ऑप्शन बी और डी दोनों डिस्कशन से बाहर बचता है या तो ए या फिर सी अब अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ही वॉज रिफ्यूज एडमिटेंस बाई सी के अंदर अगर एडमिटेंस कहेंड लेकिन इस टू हिम की अरेंजमेंट गलत जगह लिखी है इसी कायदे से एवरेपल करेक्ट आंसर बनता है बच्चों सेवेंटी थ्री द रिपोर्टर वॉज इंटरव्यूंग द पोलिटिकल लीडर्स पैसे बनाने के लिए वॉज या वर् के साथ बींग लगाकर थर्ड फॉर्म हमें चाहिए सी फॉर चाइना बाहर डी फॉर डेली बाहर ए या बी में से किसी एक को हम चुने क्वेश्चन लिखा है पॉलिटिकल लीडर्स प्लूरल है ना तो वोज कैसे भाई वर्क का यूज होना चाहिए एप्पल आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बनता है द बीवर्स अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम पैसे बनाने के लिए हैव या हैज के साथ बीन लगाकर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए ए और डी दोनों बाहर बचता है बी या फिर सी में से कोई एक आंसर बट परफेक्ट डेम सिंगुलर है सिंगुलर होने के नाते हैज बीन बिल्ट होना ज्यादा करेक्ट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन यू शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली पैसे बनाने के लिए शुड बी फॉलोड हम लोगों को चाहिए और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है दैट इज कॉल्ड सी फॉर चाइना

अब देखो भाई हमारे सामने बचता ए बी या फिर डी ए ऑप्शन कहता है द अर्थक् डैमेज द स्कूल एंड अदर बिल्डिंग्स देखो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है ऑप्शन ए में ऑप्शन बी को अगर हम देखें ऑप्शन बी के अंदर अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है ऑप्शन सी तो है ही डिस्कशन से बाहर ऑप्शन तो तो से बाहर हम कभी भी नहीं सोचते। बेटा, अपनी तरफ से इजाजत नहीं है डी फॉर डेली आपने आंसर मार्क किया क्वेश्चन 77 यू डोंट नीड टू देखो इसको निशान लगा लेना बेटा कल हम लोग बात करेंगे इसके बारे में मैं आपको इसको रीजन के साथ समझाऊंगा निशान लगाए टिकटॉक करें विज या have हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे बाहर हुआ हमारा ठीक है has के अब अगर हम देखते हैं तो विंडो तो सिंगुलर है भाई अगर विंडो सिंगुलर है तो हैव का जिक्र नहीं होगा ए फॉर एप्पल भी बाहर हुआ कुछ नहीं बचा सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ सेवेंटी नाइन द चिल्ड्रेन आर मेकिंग बनाने की बात करेंगे बच्चों तो आपका करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे हुआ बच्चों बी फॉर बॉम्बे हुआ करेक्ट आंसर एटीएथ दाइल्ड श्रिल द चाइल्ड श्रिल वेल ब्रोक द साइलेंस बच्चों ब्रोक पास्ट इंडेफिनेट है पैसे बनाने की कोशिश करेंगे तो वॉज या वर्क के साथ हमें ब्रोकन लिखा हुआ चाहिए करेक्ट आंसर आपकी तरफ से सी फॉर चाइना हुआ प्यारे दोस्तों एक आखिरी कोशिश 81 से 100 तक आपके पास समय सीमा तीन मिनट टेक अ टाइम प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन प्लीज क्वेश्चन नंबर 81 द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट पैसे बनाने पर इस इज एम आर के साथ हमें बींग रन चाहिए आप ध्यान दे से देखेंगे तो रेट का सिकर शुरुआत में चाहिए बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ डी के अंदर तो आपके अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट ही गलत है भाई क्वेश्चन 82 पर आते हैं इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड पैसे बनाने की बात नहीं है बच्चों पैसे तो ये खुद ही है एक्टिव बनाना है 83 पर captain, पैसे की बात अगर हम करें तो वॉज या वर के साथ हमें इलेक्टेड चाहिए तो आपकी तरफ से हुआ करेक्ट आंसर सी फॉर चाइना मोहन वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाई द बॉय सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन 84 फोर दे थ्रू अवे द रबिश थ्रू पैसे बनाने के लिए वाज़ या वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहेगा सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ लेट हिम सी द पिक्चर करेक्ट आंसर पैसे बनाने की बात अगर हुई तो लेट द पिक्चर से बात होनी चाहिए ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ साथियों बाकी सभी के अंदर अरेंजमेंट गलत है क्वेश्चन एटी वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज सो स्वीट ऑफ यू बहुत अच्छे इंसान है आपकी एक सुंदर पत्नी हो निशाचे क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स पर आए वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज हैव ऑलरेडी की अगर हम बात करते हैं तो पैसे बनाने के लिए हैव या हैज के साथ बीन हमें लिखा चाहिए थर्ड फॉर्म होना चाहिए ए ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन बी के अंदर ध्यान से देखो हो सकता है अब ए ऑप्शन आपका अपने आप हट गया बताओ क्यों क्योंकि भैया ऑलरेडी अरेंजमेंट गलत लिखी है सी ऑप्शन के अंदर हेल्पिंग वर्ब गलत डी ऑप्शन के अंदर हेल्पिंग वर्ब गलत सब कुछ अपने आप में गलत होते हुए करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे को मार्क किया गया 87 सेवन बनाए द मेन स्किल्स वी सीक टू डेवलप बच्चों इसको निशान लगा लीजिएगा इससे कल की क्लास में हम लोग बहुत खूबसूरती से समझेंगे निशान करिए टिकटॉक करें क्वेश्चन 88 न क्वेश्चन गांधी इंटीग्रिटी पैसे बनाने के लिए कैन के साथ बी लगाकर हम थर्ड फॉर्म का यूज करें और कैन के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म यूज किया जाना चाहिए तो correct answer हुआ, B for Bombay, क्योंकि ए फॉर एपल के अंदर अरेन्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट गलत है साथियों बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन एटी नाइन ही प्रेजेंटेड मी अन माई बर्थ डे प्रेजेंटेड का पैसे बनाने की कोशिश वॉजिया वर्क के साथ हमें प्रेजेंटेड लिखा चाहिए ए और डी दोनों डिस्कशन से बाहर बचता है बी या फिर सी आई वॉज प्रेजेंटेड करेक्ट आंसर हुआ सी फॉर चाइना ऑप्शन बी के अंदर कितनी खूबसूरत गुस्ताखी की गई है ऑयल <laughs> तो क्वेश्चन में ही नहीं है यार सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ नाइन क्वेश्चन पर आए दिस सरफेस फील्स स्मूथ ये आपका लिखा हुआ क्वेश्चन वही है रूड सेंटेंस और रूड सेंटेंस का पैसे बनाना हमने सीखा है एंड योर आंसर गोज जी बिफोर बॉम्बे द दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट बिफोर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ अगले क्वेश्चन पर हम काम करते हैं ही मी फिनिश द वर्क इन टाइम पैसे बनाने पर अगर हम बात करें तो आज का पैसे होना चाहिए वाज़ या वर बिफोर बॉम्बे डिस्कशन से बाहर अब हमारे पास बचता है ए सी या डी आई वॉज आस्ट कोई दिक्कत नहीं है ए फोर एप्पल के अंदर आगे की गुस्ताखी समझ से परे है सी या डी में से कोई एक आंसर बनाना चाहे आई वॉज आज टू फिनिश दिन हिम डी फॉर डेली आपका करेक्ट आंसर हुआ 92 टेस्ट बिटर बच्चों फिर से फिर से वही रूट सेंटेंस और रूट सेंटेंस लिखा तो एक्टिव में होता है पर मीनिंग हमेशा इसका पैसिव में होता है कल बात की है हम लोगों ने इसके बारे में ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द दार्ट ऑफ देयर ओनर्स बच्चों सब कुछ छोड़ो सिर्फ मेन वर्ग पर फोकस करें होल्ड प्रेजेंट इनिट के अकॉर्डिंग बात कर रहा है अब ये प्रेजेंट इन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है तो पैसे बनाने पर इज एम आर के साथ आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो आपकी तरफ से करेक्ट आंसर जो होना चाहिए इज एम या आर के साथ हेल्ड आपका डी ऑप्शन बाहर हुआ आपका बी ऑप्शन बाहर हुआ अगर हम ए फॉर एप्पल की बात करें तो भैया सारी की सारी जो अरेंजमेंट है अपनी जगह है तो ठीक कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सी ऑप्शन के अंदर हम एजेंट के बाद लिखा हुआ देख रहे हैं सारी की सारी बातें जो कि कायदे से ठीक नहीं है एक मिनट रुको बच्चों ऑप्शन ए के अंदर तो आपकी अरेंजमेंट गलत है क्योंकि एजेंट ही गलत लिखा हुआ है सॉरी डियर स्टूडेंट्स इसके लिए आपने करेक्ट आंसर मार्क किया सी फॉर चाइना नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पैसिव अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं व्हाट एम्यूज्ड यू पास्ट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग चल रहा है पैसे बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनेट का मतलब वॉज या वर हमें चाहिए एक ही ऑप्शन में वॉज या वर का जिक्र हुआ सी फॉर चाइना क्वेश्चन नाइनटी फाइव स्मोक एंड फ्लेम्स ये परीक्षाओं में कई बार दिया गया है और कई बार इससे जुड़ी हुई बातें परीक्षा में पूछी गई हैं स्मोक एंड फ्लेम्स एनगल्फ द एरियां डिफिकल्ट दो जगह पर वर्ब यूज हुई है एक एनगल्फ एक जगह मीड एनगल्फ का अगर हम पैसे बनाते हैं तो वोज या वर्ग के साथ हमें एनगल्फ चाहिए ऑप्शन ए में है बी ऑप्शन में है सी ऑप्शन के अंदर हेडबीन लिखा जो गलत है प्लीज इसे हटाएं डी ऑप्शन के अंदर भी वॉज एंड लिखा है अब देखेंगे बच्चों मेड की जगह वॉज या वर मेड कौन से ऑप्शन में है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो है डी फॉर डेली बाकी सभी के सभी ऑप्शंस के अंदर नई खोज की गई है क्वेश्चन <coughs> 96 पर आए दे हैव मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवल Have made का अगर हम पैसे बनाते हैं तो हैज have के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म हमें चाहिए पहला ऑप्शन डिस्कशन से बाहर helping का यूज गलत ऑप्शन बी को देखें तो आ, फिल्म, होता है मेरे भाई है कैसे यूज हुआ ऑप्शन सी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अरेंजमेंट ध्यान से देखें और ऑप्शन डी के अंदर अगर हम देखें तो भैया मेड ऑन कैसे खोज हुई भाई बिल्कुल गलत हुआ आपकी तरफ से ही ज्यादा कुछ नहीं सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन ऑपरेटेड होम दो जगह पर हेल्पिंग का का जिक्र है couldn't move का पैसिव मूव्ड सभी ऑप्शन में दिया गया है कुडंट बी मूव्ड सभी ऑप्शन में एज इट इज दिया गया है आगे हम देखते हैं द डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन मी एट होम ऑपरेटेड का पैसिव होना चाहिए वॉज या वर् के साथ ऑपरेटेड डी फॉर डेली बाहर हुआ बी फॉर बॉम्बे बाहर हुआ अब ए या फिर सी ऑप्शन में से एक हमें चाहिए अब ध्यान से देखो बच्चों अब ध्यान से देखो ऑप्शन सी के अंदर ऑपरेटेड के साथ ऑन नहीं लिखा है है ना जी ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ बहुत बहुत अच्छी स्पीड चाहिए कि आपको चीजों को ऑब्जर्व करने की क्वेश्चन नाइनटी एट Why did he deprive you of the membership? Past indefinite है ये Past indefinite के मुताबिक was या were के साथ third form हमें चाहिए तो why के तुरंत बाद हमें was या were चाहिए Option A बाहर हुआ Option B correct हो सकता है Option C के अंदर subject object गलत जगह लिखे हैं और option C के बाद option D को अगर देखें तो भैया ये भी हो सकता है अब आपका ऑप्शन ए बाहर हुआ ऑप्शन सी बाहर हुआ बी अब डी में पैरल चलते हैं वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ यहां तक सब कुछ सेम है हुँ? आगे लिखा है द मेंबरशिप द मेंबरशिप तो यू के मुताबिक योर ही होना चाहिए देखो बच्चों वैसे तो कायदे से सारे ऑप्शंस गलत है वैसे तो कायदे से सारे ऑप्शन गलत हैं लेकिन अरेंजमेंट के मुताबिक हमें डी4 दिल्ली को ही मार्क करना पड़ा है 99 द न्यूज़ हैज बीन ब्रॉट टू अस बाय हिम पैसिव है बच्चों एक्टिव बनाने के लिए हैज या हैव के साथ ब्रॉट हमें चाहिए जो सिर्फ बी4 बॉम्बे ने दिया है बाकी किसी ऑप्शन में ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन 100 द वर्ड वाज स्पोकन बाय नॉट द वर्ड वाज स्पोकन बाय नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन बाई द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस अब आप अगर इस लिखे हुए क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बच्चों ये पैसिव है, एक्टिव बनाने के लिए स्पीक की सेकेंड फॉर्म आप यूज करेंगे और लिखी हुई बातचीत में ध्यान से देखेंगे सिर्फ स्पोक हमें चाहिए ए ऑप्शन के अंदर आप लोगों ने स्पोक का यूज होते हुए देखा ठीक है नॉट अ वर्ड के साथ तो बाकी सभी ऑप्शंस डिस्कशन से बाहर हुए ठीक है आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ जी ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ थैंक यू सर जरा स्क्रीन से इन्हें हटाएं थैंक यून लेडीज एंड जेंटलमैन हम लोगों ने आज वॉइसिस की प्रैक्टिस कंप्लीट की है हम लोगों ने आज वॉइस की प्रैक्टिस कंप्लीट की है आप लोगों को पीडीएफ दी गई है जिनके बैचेस में पीडीएफ नहीं है जिन्होंने पीडीएफ नहीं देखी है वो देख लीजिएगा अपलोडेड है अपलोड कर दी जाएगी ठीक है दोस्तों कल की क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस पर मैं काम करूंगा और उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट प्रॉब्लम समस्या घबराहट जी घबराना जी मिचलाना उल्टी पढ़ना तो उस चीज को हम कल देखेंगे आज के लिए इतनी ही बात क्वेश्चंस को पढ़ने का नजरिया बदलना चाहता था मैं वो मेरी कोशिश रही और शायद मैंने वो कोशिश की भी है हर एक क्वेश्चन को देखो बच्चों एक बात याद रखना सीखते वक्त जो जितना मेहनत करता है प्रैक्टिस के समय वो उतनी ही स्पीड गेन करता चला जाता है इसी छोटे से प्यार भरे स्वभाव के साथ गुड नाइट लव यू ऑल जय हिंद जय भारत